हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल चौधरी वरकारियानवी व्लॉग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम घिया से एक नई और यूनिक सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसे बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे और आप लोगों ने कई बार चाहे तो ट्राई भी की होगी और किसी ने देखा भी नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए आज हम नए तरीके से और एक नई चीज़ बनाने जा रहे हैं, घिया की खीर। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं लौकी से खीर बनाना। ये है कद्दूकस और ये है घिया। इसको मैंने छील के साफ कर लिया, छील के और धो के। घिया और घिया को खाने में बच्चे नखरे करते हैं, तो घिया खाना, हरी सब्जी खाना भी बच्चों के लिए उतना ही जरूरी है सेहत के लिए। तो इस तरह से खिलाते हैं हम अपने बच्चों को हरी सब्जी। इसको कस के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसको कस लिया है, कस के हो गया तैयार। आप चाहे तो इसे काट के भी बना सकते हैं, जब चाकू से काट के बारीक बारीक। अगर कद्दूकस नहीं है तो आजकल तो कद्दूकस सबके पास मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने कस लिया है इसको मोटा मोटा सा। काट के भी अच्छी बन जाती है। आप चाहे तो कैसे भी बना सकते हैं, काट के या कस के। देखिए, हरी सब्जी खाना आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो किसी भी तरह से खवाएं अपने बच्चों को, हरी सब्जी ज़रूर खवाएं। इस तरह से या सब्जी बना के या हलवा बना के, खीर बना के, तो अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं हरी सब्जी। तो मैं इस तरह से खिलाती हूँ अपने बच्चों को। तो ये कस के तैयार है। अब चढ़ा देते हैं कढ़ाई, गैस ऑन कर देते हैं और कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और इसमें चढ़ा देते हैं एक चमची घी। ये देसी घी है, और इस तरह से खीर बनाते हैं तो एक अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है। आप जरूर बना के ट्राई करना एक बार, अपने बच्चों को जरूर खिलाना। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, घी गर्म हो चुका है और हम डाल देते हैं घिया को। इसको ऐसे चलाते हुए भून लेंगे थोड़ी देर। ऐसे चला के आप इसको ढक के छोड़ दीजिए, ये अपनी आप बनती रहेगी। अभी आप अपने और काम करते रहिए। तो मैं इसको ऐसे चला के और गैस को मीडियम करके छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और ऐसे इसे ढक देती हूँ। मैं इसे चलाती रहना ताकि ये लगे नहीं। आप इसे चलाते हुए भी भून सकते हैं ऐसे तेज गैस पर, लेकिन मैं साथ के साथ और काम निपटा रही हूँ, तो मैंने मंदी करके ऐसे ढक के छोड़ी हुई है। ये भूनता रहेगा और मैं साथ के साथ अपने और काम निपटा लूँगी, पर इसको ऐसे बीच बीच में ज़रूर देख लेना। अगर आप तेज गैस पर भूनेंगे तो जल्दी बन जाएगी। देखिए, घिया हमारा भून के तैयार है। घिया घी छोड़ने लगा है और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं इसमें दूध। तो घिया को ही वैसे अच्छी तरह से भूनना है, जितना अच्छा घिया भुनेगा उतनी अच्छी खीर बनेगी। इसमें से भी एक अलग सी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। तो ये 1 लीटर के करीब दूध है, ये भैंस का दूध है। आप चाहे तो पैकेट वाला ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने भैंस का लिया है। तो अब इसको डाल देते हैं। तो दूध भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। तो
मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है इसमें से। 1 लीटर के करीब दूध था ये, तो अब इसको छोड़ देते हैं, गैस को मीडियम कर देते हैं। मैंने बीच में किया हुआ है गैस को, ना कम है ना तेज है, तो बीच में है, छोड़ देते हैं। अब इसको बनने देते हैं। तो देखिए हमारी खीर बन चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी, लगभग बन चुकी है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो अभी हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी डाल के फिर इसको छोड़ देंगे उबाल के। तो चीनी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं, जैसा आप मीठा खा सकते हैं, मैंने अंदाजे से लिए, आप भी अंदाजे से ले सकते हैं, अनाप के ले सकते हैं, लेकिन मैंने अंदाजे से लिए। अब इसको छोड़ देते हैं और बनने देते हैं। अभी तो चीनी गलेगी, पानी छोड़ेगी। एक ही खीर बन के तैयार है। अभी मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप चाहें तो इसमें और भी ले सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, जो भी, अखरोट वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ काजू लिए, कुछ किशमिश लिए, और ये थोड़ा सा केसर के तार भिगो के रखे थे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। कलर के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ, अगर है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए इससे कलर चेंज हो गया खीर का, और ये भी डाल देते हैं, और खीर हमारी बन के तैयार है। गैस को कर देते हैं बंद। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आजकल तो घिया तो हमारे गांव में सब खेत वालों के पास तो सबके पास ही बुवे हुए हैं। हरी सब्जी है, अपने बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए किसी भी तरीके से, जिस तरीके से खा लें। तो मैं इस तरीके से बना के खिला देती हूँ, अगर सब्जी खाने में आनाकानी करते हैं तो। ये देखिए कितनी बढ़िया सी सब खीर बन के तैयार हुई है। तो इसी बात पे सपोर्ट कीजिए, एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय।